कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाते, उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते। मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है, ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालिए और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा।